नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। अमेरिका में मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी के बयान के बाद देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राहुल द्वारा मुस्लिम लीग को धर्म निरपेक्ष बताए जाने पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पहले इतिहास को पढ़ना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। सुधांशु ने कहा कि कांग्रेस पहले मुस्लिम लीग को बीजेपी से जोड़ती थी और राहुल गांधी अब कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। दरअसल अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वॉशिंगटन DC में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष पार्टी है और उसमें गैर धर्म निरपेक्ष जैसा कुछ नहीं है, जिसे लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक की 385वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देश को बधाई संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था, उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। महाकाल लोक में उनका स्वागत राज्यपाल के साथ शहर के अन्य गणमान्य नागरिकों ने किया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर नेपाल से लाए 100 रुद्राक्ष एवं 51,000 रुपए नगद भेंट स्वरूप चढ़ाए। बाबा के पूजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी PM प्रचंड के साथ दिखाई दिए। तेलंगाना को 2014 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश से अलग कर एक पृथक राज्य बनाया गया था, जिसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें तेलंगाना गठन दिवस के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी है। PM मोदी ने ट्वीट किया कि तेलंगाना के स्थापना दिवस पर इस अद्भुत राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। इसके लोगों के कौशल और इसकी संस्कृति की समृद्धि की बहुत प्रशंसा की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाई दी और राज्य के विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये खूबसूरत राज्य नवाचार और उद्यमिता के एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। आज जंगलों और वन्य जीवन से संपन्न तेलंगाना को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभाशाली लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर एक राउंड टेबल चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडा के डिप्लोमेट शामिल हुए। और एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विकृत है और ये अभी भी उपनिवेशवाद की सोच से चल रही है। बदले भू राजनीतिक परिदृश्य में ये नई ताकतों के उभार को प्रतिबिंबित नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और नीति विशेषज्ञों ने इसमें तुरंत सुधार करने की मांग की है। झारखंड के गुमला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 लाख रुपए का एक इनामी नक्सली मारा गया। गुमला के पुलिस अधीक्षक एहतिशाम वकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर गुमला पुलिस की टीम को मारवा जंगल भेजा गया, जहां पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में 2 लाख का इनामी नक्सली राजेश उरांव मौके पर ही मारा गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज CM योगी ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया और 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को पुरस्कार व 3,145 ग्राम पंचायत सचिवों को लैपटॉप वितरण किए। बता दें कि पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें पुरस्कार दिया गया है। इस मौके पर CM योगी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पंचायतें और नगर निगम स्मार्ट निगम के रूप में विकसित हो रहे हैं।
गांव में अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नल योजना, ग्राम पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के पास अफसरों की कमी नहीं है, जो विदेशों में हैं, उनके अंदर मातृभूमि के प्रति लगाव है। हमें सभी को जोड़कर साथ चलना है। पहले प्रदेश सरकार के बजट में बंदर बांट होता है, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर अंकुश लगाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिल्ली के पुराना किला से महाभारत काल से जुड़े सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक वसंत सवर्णकर ने बताया कि साइट से भगवान विष्णु, गजलक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्तियां और पेंटेड ग्रेव बेयर कल्चर से जुड़े कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। दरअसल चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति उत्तर भारत की तांबे और लोहे से संबंधित संस्कृति है। इस संस्कृति से संबंधित ही चीजें मिली हैं, जो ये पुष्ट करती हैं कि पुराने किले से निकली चीजें महाभारत काल से संबंधित हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान ने एक मीडियम रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल Agni-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण देर शाम किया गया। ठोस इंजन आधारित इस मिसाइल की मारक क्षमता 900 किलोमीटर तक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में ही निर्मित 15 मीटर लंबा और 12 टन वजन का ये प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम भार के परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है। जम्मू के राजौरी जिले में एनकाउंटर के दौरान सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों की बीच मुठभेड़ राजौरी जिले के दसाल गुर्जन के वन क्षेत्र में हुई। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 1 और 2 जून की दरमियानी रात को मुठभेड़ हुई थी। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ संयुक्त अभियान में एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। सेना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। केंद्र सरकार को मई महीने में GST से 1.57 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। GST रेवेन्यू कलेक्शन में साल दर साल के हिसाब से 12% की बढ़ोतरी हुई है। इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा GST कलेक्शन अप्रैल में हुआ, जब सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। सरकार के लिए अच्छी खबर ये है कि मई लगातार 14वां महीना है जब GST का कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए के पार रहा। भारत में UPI से लेन देन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को ग्लोबल लीडर बना दिया है। अभी हर रोज इसके जरिए करोड़ों लेन देन किए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के अनुसार भारतीयों ने मई 2023 में 14.30 लाख करोड़ का UPI लेन देन किया। ये अब तक का सर्वाधिक लेन देन है। पिछला रिकॉर्ड अप्रैल 2023 में बनाया गया था, जब 8.90 अरब UPI लेन देन हुए थे। बता दें कि भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली UPI वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को फाइनल में हराया। भारत ने ओमान के सलालाह में पुरुषों के जूनियर एशिया कप 2023 के एक रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की। बता दें कि इस जीत के साथ ही भारत ने मेंस जूनियर एशिया कप में सबसे ज्यादा खिताब जीतने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। टीम ने इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीता था, जबकि पाकिस्तान ने केवल 1988, 1992, 1996 में टूर्नामेंट जीता था। भारत ने चौथी बार फाइनल जीता है।